99% लोग जो MLM ज्वाइन करते हैं वो अपना पैसा गवा बैठते हैं, और 50% लोग जो MLM ज्वाइन करते हैं वो पहले साल ही MLM छोड़ देते हैं। पंद्रह साल का एक लड़का अपने पढ़ाई के सपने पूरे करने के लिए निकल पड़ता है सपनों की नगरी मुंबई में। वहां पर उसका एक क्लासमेट उसके पास एक अविश्वसनीय अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, अपॉर्चुनिटी ऐसी जो जिंदगी बदल दे, जिसके लिए वो दोस्त उसे एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार अटेंड करने बोलता है जिसकी फीस होती है 50 रुपये। थोड़ा सोचने के बाद वो ये सोचकर सेमिनार में चला जाता है कि आखिर इस सेमिनार में लाइफ चेंजिंग क्या है। वहां पर जाते ही वो एक अलग दुनिया देखता है, लाउड रॉक म्यूजिक, रूम में एनर्जी और एंथुसियाज्म, जहां भी नजर डालो वहां पर लोग सूटअप होकर बैठे हुए हैं जैसे मानो किसी बड़ी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है। उन लोगों में इतनी ज्यादा एनर्जी और एंथुसियाज्म था कि उसे देखकर वो लड़का इम्प्रेस हो गया। साथ ही वो ये भी सोचने लगा कि इतनी एनर्जी और एंथुसियाज्म आखिर किस चीज के लिए। उसी बीच सूटअप होकर एक पर्सन स्टेज पर आ जाते हैं, म्यूजिक और लाउड हो जाता है, बैठे हुए सारे लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां 5 मिनट तक रुकने का नाम नहीं लेती। एनर्जी और एंथुसियाज्म पीक पर जा चुका होता है। उसी बीच स्टेज पर आए हुए वो पर्सन माइक हाथ में लिए उस लड़के की तरफ इशारा करके उस शख्स ने कहा कि किसी दिन मैं भी ऑडियंस में यहीं पर बैठा था और जो चीजें मैंने आज हासिल कर ली है किसी दिन यही चीजें मेरे लिए सपनों में भी मुमकिन नहीं थी। और पिछले ही महीने मैंने ब्लैक कलर की ऑडी Q7 बुक की है। और फिर लड़के की तरफ देखकर उन्होंने कहा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद वो शख्स बड़ी सी स्क्रीन पर वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन करता है। लाइफ चेंजिंग सेमिनार खत्म होने के बाद वो लड़का ऑडिटोरियम से बाहर आता है और बाहर जाकर सोचने लगता है कि इतने कम समय में क्या इतना सारा पैसा कमाया जा सकता है। और इस लड़के को आप सब जानते हैं, हर कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा एक दोस्त जरूर आता है जो आपको कभी ना कभी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है और ऐसे ही किसी सेमिनार में लेकर जाता है। और इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का नाम है MLM, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये लोग भावनाओं का सम्मान बेचते हैं। पिरामिड स्कीम बोल के आता मेरे माइंड में। अबाउट द रनिंग ऑफ क्यूनेट, ए मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, आल्सो फ्रीज्ड 2.7 crores। और यहाँ पे सब इतनी छोटी छोटी में इतना सब बड़ा बड़ा अचीव करता है। एंड आल्सो वी हैव गॉट सम पीपल फ्रॉम येलुरु, दिल्ली एंड अदर प्लेसेस आल्सो। कैसे क्यूनेट के एजेंट लोगों को रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाने का झांसा देते हैं। मैं बोल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आ जाएंगे पैसे तो मेरे भी आ रहे हैं, प्रॉफिट भी हुआ है मेरे को, आ जाएंगे। फ्रॉम अ प्योर लॉजिकल स्टैंड पॉइंट इट डजंट मेक एनी सेंस। कहानी की शुरुआत 1886 में होती है जब डेविड मैकनल नाम का बुक सेलर अपने कस्टमर्स को बुक्स के साथ कॉस्मेटिक्स फ्री में देता है। कुछ टाइम बाद वो ऑब्जर्व करता है कि बुक से ज्यादा लोग कॉस्मेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है और इसी के चलते वो कॉस्मेटिक्स का ही बिजनेस शुरू कर देता है। और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो वुमेन सेल्स पर्सन को हायर करना शुरू कर देता है। और बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह रहता है कि आप अपने नीचे कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ लो, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने नीचे कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर्स जोड़ेंगे, तो जितनी आपकी डाउनलाइन ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अक्वायर करेगी और कॉस्मेटिक्स बेचेगी उतना ज्यादा आपका कमीशन बढ़ेगा। यानी आपका मेन फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने नीचे जोड़ना। धीरे धीरे डेविड मैकनल की कंपनी अवोन का बिजनेस 40,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गया।
कंपनी के सक्सेस के चलते MLM अलग अलग कंट्रीज में फैलने लगी और ऐसी इन कंपनीज की नज़र एक इमर्जिंग कंट्री इंडिया पर पड़ी और इसी तरह इंडिया में MLM की एंट्री हुई। 22 साल की एज में मैंने 40 लाख रुपए की धज्जियां उड़ा दी। एक साल की इनकम थी 40 लाख रुपए। आने वाले टाइम में जो सबसे ज्यादा लखपति करोड़पति बनेंगे, धोखाधड़ी मामले में नोएडा स्थित ebiz.com और अन्य की करीब 278 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। किस तरह से आपकी ज्वाइनिंग होती है? सर 17,000 पेमेंट होता है सर उसका, और जो ड्राफ्ट के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जाता है सर कंपनी में। दे कम अप विद कि आप आर यू सैटिस्फाइड विद व्हाट यू आर अर्निंग अबाउट योर मनी, and then they'll come up with you have a business opportunity for you. ebiz, साल 2001 में इंडिया में ebiz की शुरुआत हुई, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट MLM कंपनी मानी जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज बेचे गए और उन्हें कहा गया कि आपको अपने राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक एक पर्सन को जोड़ना है और ये कोर्सेज उन्हें बेचने हैं और उसके बाद आपको एक कमीशन मिलेगा। उसके बाद आपके राइट साइड में जो पर्सन है वो जब अपने राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक एक पर्सन को ज्वाइन करेगा और आपके लेफ्ट साइड में जो पर्सन है वो भी अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक एक पर्सन को ज्वाइन करेगा तो आपको और ज़्यादा कमीशन मिलेगा। इसी तरह जब वो लोग भी और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड करते चलेंगे उससे आपका कमीशन लगातार बढ़ता चला जाएगा और ये कमीशन आपके पूरे सपनों को साकार कर सकता है। देखते ही देखते 17 लाख स्टूडेंट्स इस स्कीम से जुड़ गए जिनसे ebiz ने 5,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। करीब 17 साल ये स्कीम चलने के बाद स्कीम का पर्दाफाश हुआ। साइबराबाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने कंपनी पर मनी सर्कुलेशन स्कीम के और पिरामिड स्कीम होने के आरोप लगाए, जिसके चलते कंपनी के डायरेक्टर पवन मल्लन और उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया। कंपनी का नोएडा ऑफिस सील किया गया और कंपनी के बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए और इसी के साथ जो 17 लाख स्टूडेंट्स स्कीम से जुड़े थे उनके सपने भी चूर चूर हुए। सुना तो कुछ नहीं था इसके बारे में, MLM के बारे में। ऐसे में एक जगह होटल पर बैठा था तो एक फ्रेंड आए मेरे पास, मतलब फ्रेंड नहीं, अननोन थे कोई, वो जानता नहीं था मैं उनको। उन्होंने मेरे पास आए, बैठे ऐसे ही चाय पी रहे थे। उन्होंने बोले आप क्या करते हो? बोला कुछ नहीं, स्टडी करता हूँ। तो फिर पूछे स्टडी करते हो, ठीक है। उसके बाद बोले आपका डेली का खर्चा कैसे निकलता है? जो भी निकलता है घर वालों से पॉकेट मनी मिल जाता है वही चल जाता है। फिर बोले ठीक है मैं आपको एक साइड बता, मतलब आपको एक तरीका बताऊंगा अर्निंग का, आप वो करोगे क्या? बोला ठीक है आप बताओ तो सही देखेंगे। उन्होंने बोले ठीक है एक साइट रहती, आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करो, उसका आपको वीकली पेमेंट मिलता रहेगा। क्या है, कैसा है, कितना इन्वेस्ट करने पड़ेगा? उन्होंने बोले अमाउंट मिनिमम लाइक 40,000 रखे तो अच्छा रहेगा, आप जितना आप रेफ़र करोगे आपका इन्वेस्टमेंट उतना कम हो जाएगा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट के पैसे है वो आपको रेफ़र के थ्रू मिले। तो एक्चुअली ये था कि मेरे घर के लोन्स थे तो मैं सोचा इससे कुछ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि स्टूडेंट हूँ, इससे मतलब इधर पढ़ाई भी करना होता है फिर दूसरा कुछ भी रहता है। तो मैं लोन लेकर करा था, 40,000 भी लोन लेकर करा था, लाइक वो रिकवर हो जाएगा ना मेरे को, इसलिए मैं लोन लेके उसमें करा था इन्वेस्ट। जब उनको बोला था बहुत मुश्किल से आए पैसे, आप देखो भैया, जिस दिन मैं दिया उनको उसके करेक्ट एग्जैक्टली एक वीक के बाद मेरे को 3,100 का पेमेंट आ गया, फर्स्ट पेमेंट। फिर उसके बाद वेट करा सेकेंड पेमेंट के लिए, नहीं आया। फिर मैं उनको कॉल करा तो उन्होंने बोला स्टेटमेंट ला के दो बैंक का। मैं स्टेटमेंट ला के लिख जाके उनको दिया था, महीने में एक पेमेंट आया, उसके बाद थ्री पेमेंट्स नहीं आए। तो मैं उनको कंटिन्यू कॉल करता गया, क्या हुआ। उन्होंने बोले अभी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, ऊपर से पेमेंट नहीं आ रहा बहुत लोगों को, आप बस थोड़ा वेट करो मैं कॉल करता हूँ। उसके बाद में मैं उनके अभी वो हो के मेरा ये इंसिडेंट हो गया, सिक्स मंथ्स हो गया रिसेंटली उनके पास विजिट कर गया, भैया कुछ हुआ क्या? उन्होंने एक मेरे को एक बात बोल रहे कि आप एक सबक सीख लो, मेहनत के पैसे अपने अंक को लगते। पिरामिड स्कीम, यहाँ पर आपको लोगों को जोड़ना होता है और उनसे कुछ पैसे कलेक्ट करने होते हैं। जितने ज़्यादा लोगों को आप अपने नीचे जोड़ोगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन, और फिर जिन लोगों को आप जोड़ते हो उन्हें भी और लोगों को अपने नीचे जोड़ना होता है और उनसे पैसे कलेक्ट करने होते हैं। पिरामिड स्कीम के जो टॉप लाइन में जो लोग हैं उन्हें ही इसका फ़ायदा मिलता है और जो लोग इस पिरामिड के बॉटम लेयर में होते हैं उन्हें अल्टीमेटली लॉसेस ही होते हैं। पिरामिड स्कीम इंडिया में लीगल नहीं है क्योंकि ये एक तरह से एक मनी सर्कुलेशन स्कीम है जहां पर लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है उन्हें झूठे प्रॉमिसेस देकर, ज़्यादा रिटर्न्स के प्रॉमिसेस देकर। तो इंडिया में और पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे लोग थे जो इसी स्कीम का इस्तेमाल करके एक बिजनेस मॉडल बनाना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि सीधा मनी सर्कुलेशन स्कीम लीगल नहीं है
पिरामिड स्कीम लीगल नहीं है तो यहाँ पर क्या कुछ वो लूपहोल्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है, और इस लूपहोल का नाम है प्रोडक्ट बेस्ड पिरामिड स्कीम, दैट इज MLM। MLM में आप डायरेक्टली किसी से पैसा नहीं लेते हो, आप उन्हें नाम के तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचते हो, और फिर उन लोगों को आप कहते हो कि आपको भी अपने नीचे कुछ लोगों को जोड़ना है, यानी उन प्रोडक्ट्स को बेचना है और पैसे कलेक्ट करने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं ये बस नाम के होते हैं, इनमें कोई भी क्वालिटी नहीं होती है, इनमें कुछ भी खास नहीं होता है, ये बस एक जरिया है अपने बिजनेस को लीगल बनाने का। और ईबीज और उस जैसी कई सारी MLM स्कीम्स इसी का एक एग्जाम्पल है, जहां पर प्रोडक्ट्स बेचने के नाम पर लोगों को लोग जोड़ने का काम दिया गया और उससे पिरामिड के जो टॉप में लोग हैं उन्होंने पैसा कमाया। और वो 15 साल का लड़का जिसके बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे, उसने बाद में MLM पर डिटेल रिसर्च किया, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं टेक ऑफ के बारे में। अब आप पूछेंगे कि ये टेक ऑफ क्या है, तो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर या बिजनेसमैन हो तो आपके कंपनी का सरप्लस अमाउंट का आप क्या करते हो? करंट अकाउंट में रखते हो, लेकिन वहां पर तो 0% इंटरेस्ट मिलता है। अब आप पूछेंगे कि फिर उस अमाउंट को कहाँ इन्वेस्ट करें? तो मेरा जवाब है म्यूचुअल फंड्स। अब आप कहेंगे कि बिजनेसेस को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी तो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन अब करते हैं हम, यानी takeoff.in, जो कि इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए। अगर आप 100 करोड़ रुपए करंट अकाउंट में रखते हो तो एक महीने बाद आपको 0 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और वही 100 करोड़ रुपए अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक महीने बाद आपको 25 लाख से 75 लाख के बीच इंटरेस्ट मिलेगा, और ये इंटरेस्ट डेली आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप स्टार्टअप फाउंडर या फिर बिजनेसमैन है तो हमारे इस इनोवेटिव प्रोडक्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्री की तरफ, बात करते हैं क्यूनेट के बारे में। ऐसी ही एक स्कीम 1998 में हांगकांग में शुरू हुई, जिसे विजय ईश्वरन ने शुरू किया। कंपनी के अर्ली सक्सेस के बाद इसे इंडिया, दुबई और बाकी कंट्रीज में भी लॉन्च किया गया। कंपनी का बिजनेस मॉडल था वॉचेस, हर्बल प्रोडक्ट्स और हॉलीडे पैकेजेस बेचना, जिसके लिए लोगों से 30,000 रुपये से 7 लाख रुपये के बीच कलेक्ट किए जाते थे। साथ ही उन्हें यह भी कहा जाता था कि जितने ज़्यादा लोग वो जोड़ेंगे उतना ज़्यादा उनका कमीशन होगा, और इसी प्रॉमिस के चलते लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नीचे जोड़ते चले गए। कुछ ही सालों के अंदर कंपनी से 5 लाख इन्वेस्टर्स जुड़ गए और कंपनी ने 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा उठाया। जल्द ही कंपनी के खिलाफ इंडिया के अलग अलग स्टेट से कंप्लेंट्स आने लगी कि कंपनी ने हमें फंसाया है। बाद में जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई तो पता चला कि कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया है, जिसके चलते कंपनी के डायरेक्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इस केस की सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट की जज मृदुला भटकर ने कहा कि कंपनी का सिर्फ एक मोटो है, सेल मोर अर्न मोर, जो कि नए लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग इस स्कीम में आसानी से फंस जाते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये एक चेन है जहाँ पर एक पर्सन को बेवकूफ बनाया जाता है और बाद में उसे ट्रेन किया जाता है बाकी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। चंद महीनों बाद कंपनी के डायरेक्टर्स को बेल पर रिहा किया गया और कंपनी का ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ। आज भी स्कीम में हजारों लोग फंस रहे हैं। अब ये आप पर है कि जब भी आपके सामने ऐसी कोई स्कीम आती है तब आप कितनी समझदारी दिखाते हैं और कितना उन पर भरोसा जताते हैं। सी द प्रॉब्लम इज, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिकल स्टैंड पॉइंट से इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक आदमी 2 आदमी को लाया और 2 आदमी 4 आदमी को लाया, आफ्टर 16 स्टेप्स द नंबर ऑफ पीपल विल एक्सीड द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द वंस मेकिंग द मोस्ट मनी आर द टॉप पीपल, नॉट अस हु आर वर्किंग एज द लोएस्ट ग्राउंड। सो फ्रॉम अ प्योर लॉजिकल स्टैंड पॉइंट इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो मेरे दोस्त के साथ में ऐसा हुआ था, so he invested a pretty good amount of money and he even urged us to do for it, but we were not up for it. Dekh samajh mein aa gaya tha hume ki sahi nahi dikh raha, to in the end finally unke wo paise dub gaye the and he finally he like he also gave up
कि भाई अब क्या कर सकते हैं इसका बोल के। आई बिलीव डॉलर्स में था ये, 2000 USD। सारी MLM स्कीम्स अपने आप को एक पैसिव इनकम सोर्स बताती है, जहां पर आप साइड इनकम बना सकते हैं दिन में बस एक दो घंटा काम करके। पर क्या ये सही में पैसिव इनकम है? पैसिव इनकम वो होती है जब आप सो रहे हो, तभी वो चीज आपके लिए पैसा बना रही है। लेकिन यहाँ पर उल्टा आपको अपने नॉर्मल काम से ज्यादा काम इन्हीं चीजों पर लगाना होता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस करने से लेकर उन्हें लाइफ चेंजिंग वेबिनार को लेके जाने तक, और उन्हें फाइनली इस चेन से जोड़कर और ज्यादा लोगों को कन्विंस करने तक। इन MLM स्कीम्स ने अपने फायदे के लिए पैसिव इनकम की डेफिनेशन को ही मैनिपुलेट कर दिया है। सारे MLM सेमिनार्स में एक चीज बहुत कॉमन होती है, यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इनके अलग अलग कोड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक ये है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, विच मस्ट बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वीमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर यूथ एज। इसमें ये लिखा गया है कि ये कोड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, लेकिन क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये सच में कहा है? I will say that I targeted two things, okay? तो आपको बता दूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहीं पर भी नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र नहीं किया है। हालांकि उनके एक स्पीच में उन्होंने मिशन 2020 की बात की थी और उसके मार्केटिंग की बात की थी। कुछ लोगों ने उस वीडियो को ही मैनिपुलेट करके उसमें नेटवर्क मार्केटिंग लिख दिया, और यंग जनरेशन इन बातों पर भरोसा कर लेती है और गुमराह हो जाती है। इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन बिफोर 2021 मिशन, आई विल से दिस इज दिस मार्केटिंग प्रोसेस गोइंग इन फुल स्टीम एंड डेफिनेटली आई एम हैप्पी अबाउट द आउटकम। MLM एक सपनों का कारोबार है, जहां पर लोगों को सपने बेचे जाते हैं, क्योंकि यहां पर सपने खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है। यहां पर मेनली स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान है। उनको ये बताया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स से और घर के बड़े लोगों से इसके बारे में बात ना करें, क्योंकि वो ये चीज़ नहीं समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग बाहरी दुनिया से वाकिफ हैं, वो इस तरह की स्कीम्स को तुरंत पकड़ लेंगे। देयर इज नो इजी मनी इन दिस वर्ल्ड। सब पर भरोसा करना आप पर काफी महंगा पड़ सकता है।